जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बोर्ड का एक प्यारा सा पेपर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिस्कशन। ठीक है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, ठीक है, उनके लिए जितना भी हम सुपर 25 क्वेश्चन दिए थे और पेपर सॉल्यूशन केवल वही सब करके गए थे, एज इट इज फोड़ कर आए हैं सारे सब्जेक्ट में। तो आपसे अनुरोध है, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, सुपर 25 क्वेश्चन इसी के डिस्क्रिप्शन के लिंक में रहेगा और पेपर सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का क्या करिए, हमने पेपर सॉल्यूशन बना दिया, आप इन्हें प्लीज से प्लीज देख कर जाइएगा। आप देख कर जाएंगे तो आप कम से कम इन्हीं से करने के बाद कम से कम 70 से 80% एज इट इज ऐसे मैच करके चले जाएंगे, छाप कर चले जाएंगे, इतना वादा है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपका प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी। घंटे की बात की जाए तो आपका 3 घंटे का होता है, मिनट की बात की जाए तो टोटल 80 मार्क का होता है। मिनट बोल दिया यार, बेइज्जती करा दिए सर जी आप। ठीक है, मतलब टोटल 80 नंबर का होता है। ठीक है, और 3 घंटा के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है। सेक्शन जो ए होता है उसमें 7 क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन को आपको आंसर देना रहता है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो 6 × 5 = 30 नंबर वहां से बन जाता है आपका। ठीक है, और नीचे सेक्शन बी वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन को आपको करना रहता है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इसी तरह से देखा जाए 10 × 30 नंबर, ये 30 नंबर यहां, 30 नंबर यहां, 20 नंबर है जो एक नंबर करा, तो उसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, या वन वर्ड में या डिफिनेशन हो सकता है। ठीक, तो 80 नंबर का हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट ए आप देखते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा सुपर 25 क्वेश्चन, ये सब आप देख कर जाइएगा, प्लीज अनुरोध है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, क्लासीफाई ज्वाइंट एंड एक्सप्लेन द साइनोवियल ज्वाइंट विद डायग्राम। मतलब ज्वाइंट का आपको क्लासिफिकेशन करना है, एकदम फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद साइनोवियल ज्वाइंट का आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है। तो कितने नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का। ठीक है, ये 6 का है लिख रहे हैं सर जी, 5 नंबर का, ये काम कंफर्म हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। ब्लड की फिजियोलॉजी आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी। ठीक है, ब्लड की फिजियोलॉजी एकदम डिटेल में बतानी पड़ेगी, प्लाज्मा, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सबको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्लेन डिटेल पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आप जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो 2 तरह का सिस्टम होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक, जब पल्मोनरी वाले रीजन पे होता है तो उसे हम पल्मोनरी, हार्ट वाले रीजन पे होता है तो हम सिस्टमिक, पूरी बॉडी की तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विथ लेबल डायग्राम इट्स फंक्शन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसके अंदर जो विलाई वगैरह होती है उसकी पूरी हिस्टोलॉजी बताने और उसका फंक्शन बताने, एकदम डिटेल में डायग्राम के साथ बताना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड तुम्हारे पास एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विथ डायग्राम। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसे बताना पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्स आर्क होता क्या डायग्राम के जरिए आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फिजियोलॉजी आप आई आई हमारी आंख जो होती है ना, आंख के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट लिखा, सिक्रीशन ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। प्यूटिटरी ग्लैंड क्या होता है, उनके फंक्शन को एकदम अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक, प्यूटिटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, क्या क्या सिक्रीट होता है, ठीक, उसे क्या कर देना आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, उनका काम भी आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन था। सेक्शन बी की तरफ जब रुक करेंगे ना, तो यहां पर टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं केवल क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता। लिखा डिफरेंट टाइप ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू लोकेशन आपको फंक्शन, ये तो हम एज इट इज बताए थे। ठीक है, फ्लो चार्ट आप देखिए, हमारे टिश्यू वाले पोर्शन में जब सुपर 25 क्वेश्चन में उसमें इपिथेलियल टिश्यू का एकदम से हम डिटेल में चार्ट बनाए थे। ठीक है, स्क्वाइमस, ठीक है, स्क्वायर, कॉलुमिनर, ये सब बताए थे, सिलिएटेड ग्लैंडुलर, ये सब बता दिए थे। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस, ये आपको डिटेल में बता देना काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा था, नीट लेवल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का कितने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज हार्ट एक बार किसी भी
YouTube वगैरह से देख सकते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप यदि हार्ट नहीं बनाने आता तो क्या कर देंगे, ऐसे हार्ट चार चेंबर का होता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये राइट आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट वेंटिकल होता है, ये राइट वेंटिकल होता है, यहाँ से ये जो ब्लड लेके आता है, यहाँ लंग्स वाला रीजन होता है, नीचे बॉडी वाला रीजन यहाँ से लेके जाता है, ठीक है। ये क्या कर दिए कि स्टेप यहाँ से पूरा रेट यानी यहाँ पर आता है, यहाँ पर फिर ये करके पूरे हार्ट में लेके जाता है, ये भी आप सुपर 25 क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये लास्ट चांस है, यदि हार्ट बनाने आता तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक। फिर लिखा मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जो हम रिस्पायरेशन करते हैं दो तरह का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को यानी ब्रीथिंग के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में यहां बताना पड़ेगा। लिखा कंपोजिशन इन फंक्शन ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा हमारा क्या होता है, जो मुंह में होता है सलाइवरी ग्लैंड से निकलता, तीन पेयर में होता, तीन इस साइड तीन इस साइड होता, ठीक। उससे कौन सा उसका कंपोजिशन क्या है, उसका काम क्या है, वो तुम्हें बता देना है, ठीक है। किसका डाइजेशन करता, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक और नर्वस, और हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरासिंपैथिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना पड़ेगा बढ़िया से। ये भी सुपर 25 क्वेश्चन में इंक्लूड है, यानी फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, स्किन की क्या कर देना, फिजियोलॉजी, उसका डायग्राम देख लेना कैसे वो काम करती है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, कैसे स्वेट का रेगुलेशन, ये सब सारी चीजें करती है, उसके बारे में यहां से डिटेल में बता देना आपको, ठीक है। लास्ट में लिखा डिस्क्राइब रोल ऑफ किडनी एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर, यानी रास मैकेनिज्म आपको बतानी पड़ेगी, किसकी, RAAS, रास मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, तब आपका मेंटेन कैसे ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता हमारी किडनी, तो रास मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा पढ़ लेनी है, ठीक है। लिखा है इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास से दो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के बारे में आपको यहां पर क्या कर देना है, डिटेल में, इंडोक्राइन पार्ट है सही, ठीक है, उसके बारे में आपको यहां बता देना है, ठीक, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता, अब उसमें माइटोसिस मियोसिस ये सब कैसे होता है आपको जाकर वहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन ये तुम्हारे पास क्या होगा, लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और स्प्लीन वाले में देखेंगे, तो एज इट इज ये बताया गया क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में 18 नंबर, अब नीचे की तरफ रुक करते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन पार्ट सी रहेगा सब तुम्हारे पास क्या रहेगा, प्यारा सा एमसीक्यू, यहां पर नहीं दिया है, ठीक है, किसी किसी स्टेट में एमसीक्यू भी बना देता है, मगर यहां पर केवल आपको एक लाइन में लिख देनी, काम खत्म। तो लिखा है डिफाइन सेल, सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे टू फीमेल सेक्स हार्मोन, एक हमारे पास इस्ट्रोजन होता है, एक प्रोगेस्ट्रॉन होता है, ये हार्मोन का नाम है, इस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन जो फीमेल में पाई जाती है, यदि मेल की बात कहेगा तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। अब लिखा क्लासिफाई ऑफ टिश्यू, टिश्यू को क्लासिफाई करना, तो यहां से आपको क्या कर देना, टिश्यू लिख देना, ऐसे बना देना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना के आपका काम खत्म कर देना, ठीक है। केवल जो कहेगा वो, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम करें, ठीक है, यहां पर इस टाइम में एग्जाम में, ठीक है, नेम इन सर्कुलेशन डेट ऑफ सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, हार्ट मसल को कौन सा लेके आपका सर्कुलेशन करता है उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक। इंटरनल इंस्पायरेशन, वहां एक्सटर्नल पूछा था, यहां इंटरनल इंस्पायरेशन पूछा था। एक्सचेंज ऑफ गैस एंड व्हेन एल्वुलाई रीजन, ठीक है, एल्वुलाई रीजन पे होता है, एल्वुलाई से टू सेल रीजन पे इज नोन एज इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। थ्री पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड का नाम तुम्हें बताना पड़ेगा, देखिए मैंगजी यानी पैराटॉइड ग्लैंड, सब मैगजलीज सब मैंडुबल होती है, तीन हमारे पास ग्लैंड होती है, तीन पेयर में पाई जाती है, तीन इधर उसी का नाम तुम्हें बता देना, ठीक। कर राइट एनी टू फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को कोई दो कितना पूछा, दो फंक्शन पूछा, तो सबसे बोल देंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस यही में होता है, जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ है O2 एंड CO2, यानी एक्चुअल में हमारा पास CO2 ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है एनर्जी के रूप में माइटोकांड्रिया में, वहीं से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये लिख देंगे। फिर क्या तुमसे पूछा, व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होती है, एट द टाइम ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल या मेल एट द एज ऑफ रिप्रोडक्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है, मतलब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर क्या बनने लगता है, ओवा यानी एग बनने लगता है, तो उस प्रोसेस को उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब ये देखा जाए तो 12 से लेके 16 ईयर तक वेरी करता है, ठीक है, या फीमेल में देखा जाए तो पहला जो यानी उनका या मेस्टुअन साइकिल आता है उस पर निर्भर करता, ठीक है। लिखा लिस्ट द कार्टिलेज प्रेजेंट इन लैरिंग्स, हमारे क्योंकि ये लैरिंग्स होता है, ठीक है, लैरिंग्स में कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, ट्रैकीड,
ट्राइकिया पाया जाता है वहां पर आपको लिख देना काम खत्म। लिखा टू फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का कोई दो फंक्शन बताना। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम हमारी क्या होती है, डिफेंस मैकेनिज्म को करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब बनाने का काम करती है, ठीक। टू प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कोई दो प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। आरबीसी यानी आरबीसी के बारे में बताना, ब्लड के बारे। और मैक्टुएशन, देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया, पेपर सॉल्यूशन आप देखेंगे, आप मैक्टुएशन आप वहां से देख सकते हैं। जब ये हम यूरिन फ्लो करते थे बाहर की साइड में तो उस प्रोसेस को हम मैक्टुएशन बोलते हैं, ठीक है। लेका यानी प्लूरो, ठीक है, प्लूरो जो मेम्ब्रेन आकर्षण, मतलब कहां पाया जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया हमारे लंग्स वाले रीजन पे एक पाया जाता है तो उस पर बताएंगे, ठीक है। ये क्या पूछा, पल में, ठीक है, पल में इज मेड अप ऑफ द, हमारे जो पाम होता है, जो पाम होना चाहिए, पाम हमारे पास क्या होता है, फाइव मेटा कार्पल्स, और कितने कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में यहां पर फिलअप कर देना, ठीक। टंग इज एग्जांपल ऑफ सेंसरी आर्गन, ठीक है, सेंसरी आर्गन नहीं, मस्कुलर मसल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। आर्टीज विच यानी विच लीव द बाउमैन कैप्सूल कहां पर पाई जाती है, यहां पर तुम्हें जब किडनी वाला रीजन पढ़ेंगे तो वहां पर बाउमैन कैप्सूल बताया जाएगा, डीसीटी बताया जाएगा, लूप ऑफ हेनले और पीसीटी बता दिया जाएगा, ठीक। ये हो गया मैच द कॉलम, अब नीचे क्या हो गया, मैच द कॉलम आपका दे दिया यहां से, ठीक। इसमें आप होशियारी नहीं कर सकते, देखो कितना यहां चार दे रखा है, यहां पर से तुमसे सीधे सीधे कितना, दो चार छह, ठीक है, दो हो गया, चार हो गया, छह, छह दे रखा, ठीक है। कितने लोग होते हैं, अच्छा मिटा देते हैं फिर बता देते हैं, अच्छा ये बचा वो उस पे मिला देंगे। कह रखा ओवम, पैरेंटल प्लेन दे रखा है, क्रेनियल नर्व दे रखा, और हमारे पास यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स दे रखा, तो इसमें ऑप्शन दे रखा वेगम यानी वेगस दे रखा, लीवर दे रखा, डिवाइडेड इन बॉडी इनटू द आर्टेरियम ए पोस्टीरियर, टेस्ट यानी टेस्ट बर्ड होता है या आपका क्या होता है, ठीक है, टेस्ट बर्ड होता है या आपका ओजिनेसिस होता है या आपका एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो ये सब के आपको क्या कर देना, मैच कराने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन किसके बारे में, कर्नाटका बोर्ड का ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी। इसके पहले हम सूटिक्स और कुग्नोसी का डिटेल में पेपर आपको दिखा चुके हैं, ठीक, और किसी अदर बोर्ड का मिलेगा हम आपको चुटकियों में तुरंत दिखा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।